अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जगह जगह हुआ योग शिविर का आयोजन। इस अवसर पर ग्रीन पार्क में सीनियर सिटीजन ने योग किया तथा लोगों को योग का महत्व बताया। इसी तरह कई जगह शहर में योग शिविर का आयोजन किया गया तथा लोगों ने योग का महत्व जाना। योग करने से किस तरह बीमारियां दूर रहती हैं और हमारा शरीर निरोगी रहता है। योग का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को योग करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर इंडियन तिब्बत सीमा पुलिस बल द्वारा रामगंगा के तट पर हुए योगा कार्यक्रम को देखने के लिए लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। इस अवसर पर आईटीबीपी के मुख्यालय पर तैनात कमांडेंट अनिल कुमार अक्रनिया ने देते हुए बताया कि योग से मनुष्य स्वस्थ और निरोग रहता है। इसके नियमित करने से मनुष्य को अपने सभी वापस एक साथ घुटनों पे आ जाइए। घुटनों पे सभी आ सकते हैं, मतलब जो नहीं कर सकते हैं वो भी यहाँ इस स्थिति में तो आ ही सकते हैं, यहाँ पर तो आ ही सकते हैं। हाथ पीछे वाले कर दीजिए, अगर कहीं नहीं जा सकते तो इस स्थिति में तो सभी आ सकते हैं। किसी को भी समस्या है वो भी इस स्थिति में आ सकता है। आपके घुटनों के बीच में थोड़ा कद के मुताबिक, आपके अपने कद के मुताबिक ही गैप होना चाहिए। और पैरों के पीछे जिनके कुछ मिले हुए हैं वो तो पैरों को भी पीछे खोल लेंगे। पंजे आपके फ्लैट और धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस प्लीज करिए। इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री समर बहादुर सिंह कमांडेंट तृतीय वाहिनी अधिकारीगण और योग प्रशिक्षक और योग वॉलंटियर्स आईटीबीपी परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण और यहाँ आसपास के गांवों से और कुछ शास्त्रों से आए हुए महानुभव और हिमवीर साथियों, जैसा कि आपको पता है कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल बरेली स्टेशन की ओर से योग दिवस का आयोजन रामगंगा के तट पर किया गया है। तो सबसे पहले तो मैं सभी का धन्यवाद अदा करता हूँ कि आप सब ने अपने कीमती समय में से इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला। साथ ही जो योग प्रशिक्षक थे उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से इस कार्यक्रम को आयोजित किया और जो भी हमारे एडम स्टाफ है जिन्होंने एडम बैकअप दिया, उन सबका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि हम सबको मालूम है कि योग जो है आज से नहीं है, योग 5000 साल पुराना है और भारतवर्ष में योग एक प्राचीन कला और परंपरा का प्रतीक रहा है। सही मायने में देखा जाए तो जो योग है ये हमारे मन और मस्तिष्क के बीच में कोऑर्डिनेशन पैदा करता है और हमेशा मनुष्य को प्रकृति के साथ जोड़ता है। और योग करने से, नियमित योग करने से सभी कई प्रकार की बीमारियों से निजात मिलती है, जैसे कि अभी इन्होंने रामवीर साहब ने बताया। तो आप सभी से मेरा ये अनुरोध है कि जो भी आपको यहाँ पर सिखाया गया है आप इसको अपने तक सीमित ना रखें। जो लोग हमारे साथी नहीं आ पाए हैं उनको भी इसकी जानकारी दें, इसके बारे में उनको ट्रेनिंग दें और सभी लोग नियमित रूप से योग करते रहें और दूसरे लोगों को भी योग करवाते रहें। और आईटीबीपी का आज इस योग दिवस पर थीम था स्वच्छ जल, क्योंकि जल जो है आजकल बड़ा प्रदूषित हो रहा है। इसका एक मुख्य कारण ये भी था रामगंगा के तट पर कि एक मैसेज जाए कि हमको अपनी जो संपदाएं हैं, हमारी धरोहर है, उनको स्वच्छ रखना है और स्वच्छता खुद की और बाहर की। और साथ में नियमित योग करने से, नियमित योग करते रहने का एक संदेश देने का था कि आप नियमित योग कर दें। जी क्या नाम है आपका? सुंदरम सक्सेना जी। सेवा भारती हूँ, विभाग मंत्री हूँ, युवा टीम में जी। आज 21 जून के उपलक्ष्य में 16 नॉन बदायूं रोड पे स्थित में युवाओं का कार्यक्रम था योग दिवस के अवसर पर। पूरे विश्व में चला और मोदी जी ने 5 साल पहले बताया था युवाओं के लिए कि 21 जून को योग दिवस करें, और 21 जून को ही नहीं रोज करें, अपना शरीर
निरोगी बनाए, निरोगी बनाए, अच्छे से करें। तो आज 5 साल बाद युवाओं में एक उत्साह अलग ही देखने को मिला और काफी भारी संख्या में हमारे कार्यक्रम में युवा उपस्थित रहे और उन्होंने योग करके अपने आप को निरोगी के सर किया, मार्ग पर अग्रसर किया।